नमस्कार दोस्तों, गुरु नरसिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं मोहितराज यादव गुरु नरसिंह के अंदर आपको पीडियाट्रिक सब्जेक्ट डील करूंगा। पूरे पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम आपका नॉर्सेट एग्जाम, ठीक है, BHU एग्जाम आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जाम, SGPGI एग्जाम हो गया, PGI चंडीगढ़ एग्जाम हो गया, RRB एग्जाम हो गया, या कोई भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, यहाँ तक कि आपका CHO बेस एग्जाम, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है उस बेस के ऊपर अपन पूरे सब्जेक्ट को डील करेंगे। गुरु नरसिंह अकेडमी आपको जितने भी सब्जेक्ट्स डील करेगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी क्वालिटी के साथ में जो है वो डील करती है सर, ठीक है। जैसा आपने प्रीवियस हमारे रिजल्ट्स भी देखे कि हमारा आउटपुट जो है अभी रिसेंटली IGIMS पटना के अंदर भी फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट जो है वो गुरु नरसिंह अकेडमी का स्टूडेंट रहा है, राहुल नाम से आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वालिटी जो है उस क्वालिटी के साथ में गुरु नरसिंह अकेडमी टीच करता है आपको, नर्सिंग के फुल सिलेबस को डिटेल के साथ में। एग्जाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसका चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी तक अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ करके आ रहे थे, अपने को क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में से ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं थे, लिखना था अपने को, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट ऑप्शन की आपको मार्किंग होगी, राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो वो राइट ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ के कैसे सेलेक्ट किया जाता है, थ्योरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, वो कंप्लीट थ्योरी विथ क्वेश्चन विथ इमेज और वीडियो बेस जो है वो क्लासे होंगी आपकी, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी सर, ठीक है। अपन सब्जेक्ट की बात करें, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, तो सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के अंदर, आपके 10-15% इंपॉर्टेंस अकेले सब्जेक्ट की है सर, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर इस अकेले सब्जेक्ट से बनते हैं आपके पीडियाट्रिक से सर, ठीक है। अगर एग्जाम जो है वो पर्टिकुलरली किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल चाइल्ड के रिगार्डिंग हो या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जो है जिसके रिगार्डिंग हो जहां पर आपको पीडियाट्रिक की स्पेशलाइज पूछी जाए, तो वहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो नंबरिंग और बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका 20-25% तक भी इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने के चांसेज है सर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट। देखो ब्रीफली जो है वो अपन पूरे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। जो टॉपिक अपन पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का डील करेंगे वो टॉपिक होगा आपका अपगार स्कोर सर, अपगार स्कोर। इस अपगार स्कोर का नाम आप सभी ने सुना है कि यह अपगार स्कोर जो है वो एक न्यूबॉर्न बेबी को असेसमेंट करने का स्कोरिंग है, असेसमेंट क्राइटेरिया है। डिलीवरी होने के बाद में जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे के जन्म होने के बाद में आप उस बच्चे के एनवायरमेंट स्टेबिलिटी को असेस करते हो सर। एनवायरमेंट स्टेबिलिटी का मतलब है ये बच्चा इस एनवायरमेंट के ऊपर स्टेबल हो पा रहा है, बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर तो नहीं जा रहा है, कहीं किसी न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो शो नहीं कर रहा है। ये सारे क्राइटेरिया सारे पैरामीटर असेस करने के लिए किया जाता है कौन सी स्कोरिंग, अपगार स्कोरिंग सर, ठीक है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं कि सर पूरे अपगार स्कोरिंग के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही डिटेल के साथ में इस स्कोर को पढ़ाता हूं, आपको बता रहा हूं कि 3 टाइप से इसके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट टाइप आपका हो सकता है कि आपका स्कोर से एग्जामिनर आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ ले सर। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सिंगल लाइन सर। कंपटीशन एग्जाम आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉपिक में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सर, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब है कि सर एक सिंपल स्टेटमेंट एग्जामिनर ने लिखा और उसको लाइन पढ़ते ही अपने को आंसर समझ में आ गया, उस क्वेश्चंस को अपन कह रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आपका, सिंगल लाइन क्वेश्चन सर, ठीक है। दूसरा टाइप एग्जामिनर का यहां से होगा आपगार से कि आपको क्वेश्चंस जो है उसका क्राइटेरिया देगा सर। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कंपोनेंट लिखेगा, क्वेश्चन के अंदर क्राइटेरिया एग्जामिनर लिखेगा और उस क्राइटेरिया की नंबर ऑफ मार्किंग अपने से ऑप्शन में पूछेगा सर। अपने को क्राइटेरिया दिया और अपने को आंसर ऑप्शन के अंदर क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ मार्किंग सर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है कि एग्जामिनर क्राइटेरिया अपने को दे, नंबर ऑफ मार्किंग ना पूछ के और इसके बेस से अपने को केयर पूछ ले,
कि एक बच्चे का आपगार क्राइटेरिया ये है तो उस बच्चे को क्या केयर आप प्रोवाइड करवाओगे सर। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस जो पूरे आपगार स्कोर से आपके बनते हैं सर। ठीक है, पहला सिंगल लाइन, आपको लाइन पढ़ते ही जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी अपन इसके साथ में देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते ही उसका आंसर समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, क्राइटेरिया होगा आपका और क्राइटेरिया बेस के ऊपर आपको नंबर ऑफ मार्किंग जो है वो आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन में क्राइटेरिया के बेस पे आंसर क्या देना होगा आपको केयर। देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल लाइन क्वेश्चन सर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वेश्चन बनाती है तो उसमें ये क्वेश्चन सिंगल लाइन क्वेश्चन बहुत कम डालती है सर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब पेपर बनाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन में से वो कर रहा हूँ, यहाँ क्राइटेरिया बेस पे नंबर और क्राइटेरिया बेस पे केयर, ये दो क्वेश्चन ज्यादा बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। और स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम बनाती है आपका कौन सा सिंगल लाइन क्वेश्चन सर। ठीक है, तो टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन, आपगार स्कोर टॉपिक अपना डील कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आपगार स्कोर से किस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। टॉपिक है आपका आपगार स्कोरिंग सर। फर्स्ट वन बात करते हैं, देखिए आपका फर्स्ट ही लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपगार स्कोर किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा डिस्कवरी की गई थी। इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर वर्जीनिया आपगार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि 1952 के अंदर डॉक्टर वर्जीनिया आपगार ने न्यूबॉर्न बेबी को असेस करने के लिए और उस असेसमेंट के बेस पे उसको केयर प्रोवाइड करवाने के लिए जो स्कोरिंग दी, उस स्कोरिंग को कहा आपने कौन सा आपगार स्कोरिंग सर। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि किसके द्वारा दिया गया था ये स्कोर, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार सर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि सर आपगार यहाँ पर दिख रहा है तो आपगार के बेस के ऊपर ऑप्शन के अंदर अपन पढ़ लेंगे कि जिसमें आपगार लिखा हुआ होगा वही अपना क्या होगा सही होगा, नहीं सर ये गलत है आपका। देखिए, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाएगा तो उस पेपर के अंदर एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो आपको चारों ऑप्शन के लास्ट में ये वर्ड तो लिखेगा आपगार सर। कोई भी ऑप्शन देगा तो उसके लास्ट में लिखेगा डॉक्टर विलियम्स आपगार, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार, डॉक्टर थॉमस आपगार, डॉक्टर फ्रूड आपगार सर। ऐसे हर क्वेश्चन के ऑप्शन के लास्ट में वो आपगार जो है वो आपगार वर्ड को लिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर आपगार से क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर दोगे आप डॉक्टर वर्जीनिया आपगार सर। किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था वर्जीनिया आपगार, एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कब इन्वेंटेड किया गया था ये स्कोर, कब खोजा गया था, तो आप बताओगे 1952 सर। देखिए, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार का आपको इंट्रो दे दूं, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार एक प्रकार के एनेस्थोलॉजिस्ट थे सर। इसका मतलब डॉक्टर वर्जीनिया आपगार जब भी डिलीवरी असिस्ट होती तो उस डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया देने का काम करते थे सर। ठीक है, वही डॉक्टर वर्जीनियन जो है उसने एक न्यूबॉर्न बेबी को असेस करने के लिए स्कोरिंग बनाई, उस स्कोरिंग को कह रहे हैं अपन कौन सी स्कोरिंग, आपगार स्कोरिंग सर। ठीक है, कब दिया गया, 1952 के अंदर दिया गया सर। ठीक है, देखिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहां बता रहा हूं। पहला वर्ड सुनो, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार और 1952 सर। ठीक है, क्वेश्चन देखना साइकेट्रिक के रिगार्डिंग है लेकिन अपन ने कहा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए अपन क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बनता है, देखिए 1952 के अंदर आपकी फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स की डिस्कवरी हुई थी और ये फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स थी आपकी क्लोरप्रोमाजीन, जिसको आप CPZ के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हो सर। ठीक है, तो ये एक साइकेट्रिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन आपगार से अपन किस तरीके से अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको कहा डॉक्टर वर्जीनिया आपगार सर, ठीक है ये एक पैलेस का नाम है USA के अंदर सर। वर्जीनिया जो है
वो वर्जीनिया यूएसए के अंदर एक पैलेस है, और 1773 के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला गया था यहाँ पर सर, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल। सर एक लाइन से तीन क्वेश्चन सोल्व करवाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपगार स्कोर किसने दिया था, डॉक्टर वर्जीनिया आपगार ने दिया था। कब दिया था, 1952 के अंदर दिया था। लेकिन साइकेट्रिक के दो क्वेश्चन इसी पॉइंट से आपको ध्यान रखने कि 1952 के अंदर फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स की खोज हुई थी और उस ड्रग्स का नाम था क्लोरप्रोमाजीन CPZ सर, ठीक है। डॉक्टर वर्जीनिया आपगार, यहाँ आपको आपगार स्कोर में ध्यान रखना है। लेकिन ये वर्जीनिया नाम का जो पैलेस है यूएसए के अंदर, वर्जीनिया नाम की जगह पर 1773 के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला गया था मेंटल इल पेशेंट को ट्रीट के लिए। अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते कि सर किसने दिया था आपगार स्कोर, तो डॉक्टर वर्जीनिया आपगार के द्वारा दिया गया था सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते आपगार स्कोरिंग जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब किया जाता है सर, ठीक है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के डिलीवरी के बाद में आफ्टर बर्थ एट 1 मिनट्स एंड 5 मिनट्स आपगार स्कोरिंग जो है वो दो बार किया जाता है, बर्थ जो है उस बर्थ के बाद में, एक बर्थ के 1 मिनट पे और एक बर्थ के 5 मिनट पे सर, ठीक है। एग्जामिनर सिंपल भी पूछ सकता है कितने टाइम किया जाता है आपगार स्कोरिंग, और ये भी पूछ सकता है कब कब किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली टाइम ध्यान रखना है 1 मिनट एंड 5 मिनट सर। इस पॉइंट से क्वेश्चन आपका बन चुका है सफदरजंग के अंदर। क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा आगे अपने टॉपिक के बाद में किस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम ध्यान रखना है कि 1 मिनट एंड 5 मिनट पे किया जाता है सर, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि न्यूबॉर्न बेबी के एनवायरमेंट असेसमेंट के लिए आपगार स्कोरिंग करते हो। जब भी आपगार स्कोरिंग अपन करते हैं तो 3 सिस्टम असेसमेंट करते हैं सर, बॉडी के 3 सिस्टम्स को असेस करने के लिए अपन कर रहे हैं कौन सी स्कोरिंग, आपगार स्कोरिंग सर। कौन कौन से सिस्टम को असेस करते हैं आपगार स्कोरिंग के दौरान, देखिए देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनता है RNC से सर। आपका RM नंबर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, RNC से बनता है। इसी निमोनिक से आपको ये 3 सिस्टम ध्यान रखने। आर मीन्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एन मीन्स आपका नर्वस सिस्टम, और सी मीन्स आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर, ठीक है। इन 3 सिस्टम का असेसमेंट करने के लिए स्कोरिंग की जाती है कौन सी आपगार। एग्जामिनर आपसे ये पूछे कौन से सिस्टम को असेस करने के लिए आपगार स्कोरिंग की जाती है, आंसर होगा आपका रेस्पिरेटरी, नर्वस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी का आपगार स्कोर करते हैं तो आपगार स्कोर के अंदर 5 क्राइटेरियाज होते हैं सर, 5 क्राइटेरिया, 5 पैरामीटर जो आपगार स्कोरिंग के दौरान आप असेस करते हो। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, देखिए जैसा इसका मीनिंग आपने लिखा है वैसा ही 5 क्राइटेरियाज के नाम है इसके, और ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं देखिए। ए का मतलब है अपीरेंस, और अपीरेंस का मतलब है स्किन कलर सर। इस पी का मतलब है आपका पल्स, या इसी को कहा अपन ने हार्ट रेट। इस जी का मतलब है आपका ग्रेमिस, इसी ग्रेमिस पैरामीटर को जाना जाता है आपके रिफ्लेक्स नाम से सर, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी का रिफ्लेक्स देखना या ग्रेमिस पैरामीटर देखना सर। सेकंड ए का मतलब आपको ध्यान रखना है एक्टिविटी, और एक्टिविटी का मतलब है आपका मसल टोन सर, ठीक है। और लास्ट आर का मतलब है आपका रेस्पिरेटरी एफर्ट
एफर्ट सर, ठीक है, ध्यान रखना है वर्ड इंपोर्टेंट है, रेस्पिरेटरी क्या चेक करना, एफर्ट चेक करना। एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन बना सकता है, मैंने आपको कहा सिंगल लाइन क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से। कौन सा क्राइटेरिया आपका स्कोर में नहीं आता है, ये तीन क्राइटेरिया लिख देगा, एक अलग वर्ड लिख देगा। जैसे आपको लिख दिया कि कौन सा क्राइटेरिया आपका स्कोर में नहीं आता है, स्किन कलर फर्स्ट ऑप्शन, मसल टोन सेकंड ऑप्शन, वेट थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो आप कह दोगे वेट क्राइटेरिया किसका नहीं है, आपगार का नहीं है सर, ठीक है, वो ग्रोथ पैरामीटर आपका सर, ठीक है। तो ये पांच क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने। देखिए यहां से और भी एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है कि आप किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का आपगार स्कोरिंग कर रहे हो, तो आपगार का मिनिमम स्कोरिंग कितना होगा, मिनिमम स्कोरिंग कम से कम कितना नंबर दे सकते हो आप किसी भी बच्चे को आपगार में सर, तो आपको ध्यान रखना है कम से कम कितना नंबर दे सकते हैं, अपन जीरो नंबर दे सकते हैं सर, ठीक है। सेकंड आपसे ये कहे कि मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होगी, जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी की आपगार स्कोरिंग कर रहे हो तो आपगार स्कोरिंग के दौरान मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर दे सकते हो एक न्यूबॉर्न बेबी को, तो ज्यादा से ज्यादा आपगार के अंदर नंबर दे सकते हो आप कितना, 10 सर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम जीरो मार्किंग होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्किंग सर, ठीक है। पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए जो मार्किंग की रेंज होती है वो होती है आपकी 0, 1 और 2 सर। मैंने आपको कहा पांच क्राइटेरिया है, इसका मतलब एक क्राइटेरिया के लिए मैक्सिमम मार्किंग, सिंगल क्राइटेरिया मैक्सिमम मार्किंग 2 होता है, और सिंगल क्राइटेरिया मिनिमम मार्किंग कितना होता है आपका, 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल आपगार स्कोरिंग मैक्सिमम 2 होगा, और टोटल आपगार स्कोरिंग मिनिमम कितना होगा आपका, 0 होगा सर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सिंगल लाइन क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। सेकंड आपको कि जब भी आपगार स्कोर की अपन बात करते हैं तो आपगार स्कोर का हर एक क्राइटेरिया और उस क्राइटेरिया का हर एक पैरामीटर आपको, इसका मतलब आपने असेस किया एक न्यूबॉर्न बेबी का स्किन कलर, तो आपने स्किन कलर का ये ध्यान रखना है कि उस न्यूबॉर्न बेबी का जब भी स्किन कलर असेस कर रहे हो तो 0 नंबर कब दोगे, 1 नंबर कब दोगे और 2 नंबर कब दे रहे हो सर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट ऑन अपने क्राइटेरियाज की बात करते हैं, और क्राइटेरिया जो है वो अपन देखते हैं कि सर कौन कौन से क्राइटेरिया आपगार स्कोर में होते हैं। तो देखिए सबसे पहला यही क्वेश्चन याद रखना है, आपगार स्कोर में कौन सा क्राइटेरिया फर्स्टली असेस किया जाता है, फर्स्ट वन क्राइटेरिया कौन सा होता है आपगार के अंदर सर। तो जो क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है हाइट रेट सर, ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जो अपन आपगार में असेस करते हैं सर, ठीक है। अब देखिए हाइट रेट में आपको दिखाई दे रहा है कि सर 0 पॉइंट या 0 नंबर तब देंगे जब हार्ट रेट क्या मिल रही है अपने को, एब्सेंट मिल रही है सर, ठीक है। एक न्यूबॉर्न बेबी का अपन ने हार्ट रेट चेक किया और हार्ट रेट एब्सेंट है, अपन कितनी मार्किंग करेंगे, 0 नंबर सर, ठीक है। 1 नंबर तब देंगे जब 100 बीट पर मिनट जो है वो 100 बीट पर मिनट से कम हो सर, लेस देन 100 बीट पर मिनट, 100 से कम हार्ट रेट मिल रही है तो 1 नंबर देंगे, और मोर देन 100 बीट पर मिनट मिल रहा है बच्चे का तो कितने नंबर देंगे, 2 नंबर सर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न होती है 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट सर, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर एब्सेंट है 0 नंबर, 100 से कम है 1 नंबर, और 100 से अबव है तो कितना नंबर, 2 नंबर सर, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया जो अपने को आपगार के अंदर ध्यान रखना है, देखिए सेकंड क्राइटेरिया होगा आपका रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट सर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट का मतलब है कि आपको एक न्यूबॉर्न बेबी का रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, एक्चुअल पैरामीटर ऑफ रेस्पिरेशन आपगार के अंदर होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट सर, क्या होता है आपका, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अगर क्वेश्चन ये लिख दे कि कौन सा क्राइटेरिया
अपगार स्कोरिंग के दौरान नहीं है और ऑप्शन दे दे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट और स्किन कलर, तो वहां पर रेस्पिरेटरी रेट को अपन आउट करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट एक्चुअल पैरामीटर नहीं है सर। एक न्यूबॉर्न बेबी के एफर्ट चेक किए जाते हैं अपगार स्कोरिंग के दौरान सर, तो अपन एफर्ट की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी जो एफर्ट होगा, अगर अपने को एब्सेंट मिल रहा है या कंडीशन एपनिया देखने को मिल जाए सर, रेस्पिरेशन का एब्सेंट होना या कौन सी कंडीशन हो, एपनिया कंडीशन हो, जीरो नंबर देंगे। एक बच्चे का स्लो इरेगुलर और वीक क्राई देखने को मिल रहा है, नंबर दोगे एक आप। और एक बच्चे के अंदर गुड रेस्पिरेटरी रेट या एफर्ट गुड देखने को मिल रहे हैं, विगेरियस क्राई, इफेक्टिव क्राई कर रहा है बच्चा, या इंपॉर्टेंट वर्ड लस्टी क्राई, लस्टी क्राई सर, ठीक है। अगर इफेक्टिव क्राई कर रहा है तो उस क्राई को कहते हैं अपन विगेरियस क्राई या लस्टी क्राई, तो अपन अपगार के अंदर मार्किंग करेंगे विगेरियस और लस्टी क्राई की किन्नी, दो नंबर सर, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर की अपन बात करते हैं कि अपगार स्कोर के अंदर और कौन सा अपना पैरामीटर है। देखिए थर्ड वन पैरामीटर है आपका मसल टोन सर, और मसल टोन जो है वो मसल टोन पैरामीटर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर मसल टोन एब्सेंट है या इसके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है अपगार में, वो वर्ड है आपका फ्लैसिड मसल टोन होना या लिंप होना सर, बिल्कुल भी मसल टोन का नहीं होना। एक बच्चे की मसल टोन आप देख रहे हो, आपने एक्सट्रीमिटीज जोस एक्सट्रीमिटीज को चेक किया और उसका मसल टोन देख रहे हो, एक्सट्रीमिटीज जोस एक्सट्रीमिटीज को आपने अब किया और वापस से वो एक्सट्रीमिटीज क्या हो रही है, फॉल हो रही है सर, ठीक है। इसका मतलब एब्सेंट है मसल टोन, और मसल टोन का एब्सेंट होना कितना नंबर दोगे, जीरो नंबर सर, ठीक है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूं उसी के ऊपर, फ्लैसिड जो है वो फ्लैसिड और लिंप सर, ठीक है। मिनिमम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज फुल्ली फ्लेक्शन नहीं है, गुड फ्लेक्शन नहीं है सर, कम फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मिनिमम फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, कितना नंबर दोगे, एक नंबर दोगे। और अगर गुड फ्लेक्शन, एक्टिव मोशन, एक्टिव मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो मार्किंग करोगे कितने नंबर, दो नंबर सर, ठीक है। अपगार का नेक्स्ट पैरामीटर की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर इस स्कोरिंग के अंदर अपना रिफ्लेक्स और इरिटेबिलिटी, या अपन कहें रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्स चेक करना, रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्स चेक करना, या रिफ्लेक्स और एक बच्चे की इरिटेबिलिटी चेक करना सर, ठीक है। बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं है बच्चे का, किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं है। आपने स्टिमुलाई दिया, उस बच्चे को पिंस किया है, या बच्चे के सोल पार्ट, जो सोल पार्ट पे स्ट्रोकिंग की है आपने, सोल पार्ट के ऊपर मारा है, किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं है। आप कह रहे हो नो रेस्पॉन्स, मार्किंग करोगे जीरो नंबर मार्किंग सर, ठीक है। वन मार्किंग तब करोगे जब मिनिमल रेस्पॉन्स हो, और मिनिमल रेस्पॉन्स के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो होता है ग्रेमिस सर, कौन सा वर्ड आपका, ग्रेमिस वर्ड सर, ठीक है। और सेकंड आपकी सर दो नंबर तब दोगे जब रेस्पोंड प्रमोटली विथ क्राई और एक्टिव मूवमेंट कर रहा हो, बच्चा जो है वो इफेक्टिव एक्टिव मूवमेंट कर रहा हो, जैसे कफिंग कर रहा है एक्टिवली, ठीक है। स्नीजिंग जो है वो स्नीजिंग एक्टिवली कर रहा है बच्चा, ठीक है। इसका मतलब बच्चा जो है, और क्राई जो है वो क्राई इफेक्टिवली, आपने जैसे ही पिंच किया, पिंच करने के साथ में बच्चा क्राई करने लग गया, या अपना सोल पार्ट जो है वो इफेक्टिवली वहां से उस बच्चे ने रिमूव आउट कर लिया, हटा लिया, इसका मतलब उस बच्चे के अंदर रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिव रेस्पॉन्स है, एक्टिव मूवमेंट है। और कितना नंबर दोगे आप उसको, दो नंबर मार्किंग सर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैरामीटर की बात करते हैं अपगार स्कोर के अंदर, अपना लास्ट पैरामीटर क्या है, तो देखिए लास्ट पैरामीटर आपका स्किन कलर सर, स्किन कलर सर, स्किन कलर जो है वो स्किन कलर पैरामीटर आपका कि अपीयरेंस देखना। अगर एक न्यूबॉर्न बेबी का कंप्लीटली स्किन आपको पैलार और साइनोसिस दिखाई दे रहा है सर, कंप्लीट बॉडी जो है वो बच्चे की साइनोसिस है, नीली जो है वो नीला पड़ गया है बच्चा जन्म होने के बाद में, इसका मतलब आप मार्किंग करोगे कितना, जीरो मार्किंग सर, ठीक है। कंप्लीटली साइनोसिस का मतलब ये कि बच्चे का फेस,
चेस्ट, एब्डोमिनल या मैं कहूँ ट्रंक पार्ट, सेंट्रल बॉडी और एक्सट्रीमिटी जो है वो कंप्लीटली क्या हो, बिल्यूस हो, साइनोसिस हो, तो कितना नंबर दोगे आप? 0 नंबर सर। ठीक है, देखिए आप जो है आपका स्कोरिंग जब भी करोगे 1 नंबर दोगे अगर बॉडी स्किन कलर नॉर्मल है लेकिन एक्सट्रीमिटीज का कलर कैसा है, ब्लू कलर है, तो कितना नंबर दोगे? 1 नंबर। और इम्पोर्टेंट वर्ड, इस कंडीशन को कहा जाता है आपका एक्रोसाइनोसिस। इसका मतलब एक बच्चे का सेंट्रल बॉडी पार्ट पिंक है, नॉर्मल स्किन कलर है, लेकिन हाथ और पांव नीले पड़े हुए हैं, एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू आपको दिखाई दे रही है, कंडीशन को कहा जाता है एक्रोसाइनोसिस। और एक्रोसाइनोसिस में नंबर दोगे 1 नंबर सर। ठीक है, 2 नंबर तब दोगे जब नॉर्मल स्किन कलर आपको दिखाई दे और बॉडी और एक्सट्रीमिटीज बोथ सर, एक्सट्रीमिटीज और बॉडी दोनों का कलर क्या हो, नॉर्मल स्किन कलर हो, कितना नंबर दोगे? 2 नंबर सर। ठीक है, पूरे अफगार स्कोर का ये टेबल आपको याद रखना है, लेकिन इस टेबल के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जो याद रखने, एक आपका फ्लैसिड और लिम्प जहां भी आएगा आपको 0 मार्किंग करनी है। मिनिमल रेस्पॉन्स के अंदर ग्रेमिस वर्ड आएगा आपको मार्किंग करनी है कितनी, 1 नंबर मार्किंग। और एक्रोसाइनोसिस वर्ड आ जाए या आ जाए आपका बॉडी जो है वो नॉर्मल कलर है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो भी कितना नंबर मार्किंग? 1 नंबर मार्किंग सर। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपको याद रखना है जब भी आप अफगार स्कोर पढ़ रहे हो या अफगार के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो सर। ठीक है, नेक्स्ट अपन की सर अपने को क्राइटेरिया दे दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, इसमें से कोई भी पैरामीटर्स आपको क्वेश्चंस के अंदर दे दिया एग्जामिनर ने और उस पैरामीटर के बेस के ऊपर आपसे एग्जामिनर ने यह पूछ लिया कि एक न्यूबॉर्न बेबी जिसका हार्ट रेट इतना है, रेस्पिरेटरी एफर्ट इस तरीके के देखने को मिले, मूवमेंट इस तरीके का देखने को मिले, उसको क्या केयर प्रोवाइड करवाओगे सर? ठीक है, तो आपको केयर जो है वो केयर भी ध्यान रखनी है कि क्राइटेरिया के बेस के ऊपर किस तरीके से केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन केयर की बात करते हैं, अफगार स्कोर के अंदर कौन सी केयर आपको प्रोवाइड करवानी है। देखिए, जब भी अफगार स्कोरिंग आपको क्राइटेरिया दिया हुआ होगा तो क्राइटेरिया के अंदर आपको केयर ध्यान रखनी है कि अगर एक न्यूबॉर्न बेबी जिसको अफगार के बेस के ऊपर अपन केयर दे रहे हैं और आपको अफगार स्कोरिंग देखने को मिला 8-10 सर, 8-10 स्कोरिंग देखने को मिली और ये 8-10 स्कोरिंग लगभग 70-80% डिलीवरी केस में देखने को मिलता है सर। होने वाली 70-80% डिलीवरी में अफगार स्कोरिंग कितनी होती है? 8-10 होती है और ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चा एनवायरनमेंट में एडजस्ट है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस की कंडीशन में नहीं है ये बच्चा सर, एनवायरमेंटल स्टेबल बेबी है अगर अफगार स्कोरिंग कितनी है 8-10। तो यहां पर आपको केयर ध्यान रखनी है, नॉर्मल रूटीन केयर, कोई स्पेसिफिक केयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली रूटीन केयर आपको करनी है सर। ठीक है, आपने अफगार स्कोरिंग किया बर्थ होने के बाद में और अफगार स्कोरिंग आपको देखने को मिला 4-7 सर, 4-7 एक बच्चे की स्कोरिंग मिली और लगभग होने वाली डिलीवरी केसेस का 10-15% 10-15% केसेज है जिसमें 4-7 देखने को मिलता है, इस कंडीशन को कहा जाता है माइल्ड डिस्ट्रेस। और जब बच्चे की स्कोरिंग 4-7 है तो इस बच्चे को जरूरत है O2 थेरेपी की। इसका मतलब ऐसे केस के अंदर जहां आपका स्कोरिंग 4-7 होगी वहां पर आपका काम होगा कि आप क्या प्रोवाइड करो बच्चे को, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करो सर। ठीक है, और आपका स्कोरिंग अगर आपको देखने को मिल रहा है 0-3 बहुत रेयर केसेस, टोटल डिलीवरी केसेस का 2-5% केसेस होते हैं जहां पर आपको स्कोरिंग कितना मिलता है, 0-3 स्कोरिंग मिलता है, कंडीशन को कहा जाता है सीवियर डिस्ट्रेस सर,
सीवियर डिस्ट्रेस, सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर है ये बच्चा। अगर आपको अबगार स्कोरिंग कितनी मिल रही है, 0 से 3 मिल रही है, तो सर और 0 से 3 जब भी आपको स्कोरिंग मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो केयर होगी वो केयर होगी आपकी 0 से 3 स्कोरिंग के दौरान। आपको केयर देनी है प्रोवाइड द रीससिटेशन, रीससिटेशन क्या स्टार्ट कर देना है बच्चे का, रीससिटेट प्रोवाइड करवाना है बच्चे को। इसका मतलब आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्रिटिकल कंडीशन है अगर बच्चे की स्कोरिंग आपको कितनी देखने को मिल रही है, 0 से 3 देखने को मिल रही है सर, ठीक है, क्या स्टार्ट करोगे, सीपीआर स्टार्ट करोगे। तो आपको ये अबगार स्कोरिंग की केयर के 3 फॉर्मेट ध्यान रखने कि जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी की स्कोर किया है तो स्कोर के दौरान आपको स्कोरिंग 8 से 10 मिल रही है तो आपको केयर जो है वो केयर क्या करनी है। अगर आपको 4 से 7 मिल रही है तो O2 थेरेपी आपको देनी है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 से 3 करना है तो 0 से 3 के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, रीससिटेशन सीपीआर। देखो एग्जामिनर इस रीससिटेशन वर्ड से भी क्वेश्चन निकाल लाता है, रीससिटेशन का पैटर्न क्या होता है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सर, और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रीससिटेट करने का सिक्वेंस या पैटर्न आपको निमोनिक ध्यान रखना है, TABC सर, ठीक है। इस टी वर्ड का मतलब है आपका टेम्परेचर, क्या सर्च करोगे, टेम्परेचर सर। ए वर्ड का मतलब है एयर वे को मेंटेन करोगे। बी का मतलब है क्या देखोगे आप, ब्रीथिंग पैटर्न। और इस सी वर्ड का मतलब है क्या देखोगे, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन सर, ठीक है। तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक न्यूबॉर्न बेबी का जब भी सीपीआर करोगे, रीससिटेट करोगे, तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा आपका TABC। बस इसी ऑप्शन को एग्जामिनर आगे पीछे करेगा, किसी ऑप्शन में लिख देगा ABCT, किसी ऑप्शन में लिख देगा CBAT, किसी ऑप्शन में इस ए को आगे कर देगा बी को पीछे। लेकिन आपके लिए तो सीक्वेंस बता दिया कि आपको राइट करने के लिए जो सीक्वेंस याद रखना है वो है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन सर, ठीक है। बाकी पूरा रीससिटेशन अपन पीडियाट्रिक की जो अपनी आगे बर्थ एस्पेक्सिया क्लासेज होंगी वहां पर ये पूरा टॉपिक आपका, यहां पर आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है सर, ठीक है। तो ये पूरा अबगार स्कोर जो आपको ध्यान रखना है, एक बार अपन अबगार स्कोर को वापस से रिवाइज करते हैं कि किस टाइप से बन क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इसके बनते हैं वो भी अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखते हैं अपन अबगार के कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर अपने को पूछ सकता है। सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से बनते हैं और 3 फॉर्मेट के अंदर एग्जामिनर का क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दी अबगार स्कोर शुड बी असेस, और ऑप्शन से आपको यह लग रहा है कि सर टाइम के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बात कर रहा है एग्जामिनर कि जब भी अबगार स्कोर आप असेस करोगे तो अबगार स्कोर के दौरान आपका कब असेस करोगे, टाइम जो है वो टाइम क्या होगा अबगार स्कोर को असेस करने का सर, ठीक है। और अबगार स्कोर को असेस करने का जो टाइम होगा आपका वो टाइम आपको यहां ऑप्शन से ध्यान करना है सर। देखिए पहला ऑप्शन इमीडिएट आफ्टर बर्थ एंड 300 मिनट आफ्टर बर्थ सर, ठीक है। नहीं अपन ने पहला जो है वो पहला ही अबगार स्कोर के सिंपल पॉइंट्स के अंदर ये पढ़ा है कि जब भी अबगार स्कोर करते हैं तो 2 टाइम पे अबगार स्कोरिंग की जाती है और 2 टाइम कौन कौन सा होता है वो आपको ध्यान है कि सर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ये तो नहीं आपका 300 मिनट सर, ठीक है। 300 मिनट बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया सर। इमीडिएट जो है वो इमीडिएट आप क्लिनिकली प्रैक्टिस के अंदर ये वर्ड यूज ले सकते हो, लेकिन 300 मिनट के बाद में क्या करना, असेस करना सर, ठीक है। नहीं बच्चे का जस्ट बर्थ के बाद में असेस करते हैं अपन। तो ऑप्शन बी की बात करें कि एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 30 मिनट आफ्टर बर्थ, देखिए एक पॉइंट तो इसने सही लिखा है इस ऑप्शन के अंदर सर कि एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ की बिल्कुल करते हैं, जन्म के 5 मिनट के बाद में आपका स्कोर, लेकिन इसने इस पॉइंट को गलत लिख दिया कि जन्म के आधे घंटे बाद में
आपका स्कोर करते हैं सर। नहीं, ये गलत है आपका सर, 30 मिनट के बाद में नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखिए आपका, एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ सर, ठीक है। हाँ, 1 मिनट के ऊपर भी स्कोरिंग की जाती है आपगार की फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम आपका कितनी मिनट के बाद में, 5 मिनट पे सर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार डी ऑप्शन भी अपन देखते हैं। डी ऑप्शन देखिए आपका लिखा हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ सर, ठीक है सर। ऑप्शन तो ये भी सही लग रहा है कि 1 मिनट आफ्टर बर्थ और 5 मिनट आफ्टर बर्थ के अंदर कितना सा डिफरेंस होगा सर, बिल्कुल सही बात है। क्लिनिकली जो है वो क्लिनिकली आप इस चीज को बेस नहीं कर सकते कि 1 मिनट और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के अंदर कितना डिफरेंस होगा सर, लेकिन सफदरजंग जो है उसके अंदर 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन दिया था आपका, और उस सफदरजंग ने इस क्लिनिकली प्रैक्टिस को सही ना लिख करके, और उसने जो बुक लैंग्वेज है उस बुक की थ्योरी वाले क्वेश्चन को सही माना, और ऑप्शन कौन सा सही है आपका, यहाँ सी सर, ठीक है। क्लिनिकली आप कह सकते हो कि जस्ट बर्थ के बाद में और 5 मिनट के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, आपगार स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है 1 मिनट पे किया जाता है, और कितनी मिनट पे किया जाता है, 5 मिनट पे किया जाता है सर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अपना अगला क्वेश्चन जो है वो आपका स्कोर से कैसा बन सकता है। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, सिंपल और सिंगल लाइन क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि सिंगल लाइन सिंगल फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन हो सकता है आपका कि विच ऑफ द वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूड इन आपगार स्कोरिंग, इसका मतलब ऐसा कौन सा वाइटल क्राइटेरिया जो आपगार स्कोरिंग के अंदर नहीं है। देखिए क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, ऐसा वर्ड आ जाए आपका नोट आ जाए एक्सेप्ट आ जाए, तो ये वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि हाईलाइट कर दो उस पॉइंट को जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आपको शीर्षक निकाल रहा हो, मैं क्वेश्चन का आंसर जहां से निकल रहा हो उस पॉइंट को माइंड में हाईलाइट कर लो सर, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ऐसा कौन सा वाइटल क्राइटेरिया जो किसके अंदर नहीं होता, आपगार में नहीं होता। मैंने आपको बताया 5 क्राइटेरिया होता है, 5 क्राइटेरिया के अंदर 1 क्राइटेरिया आपका स्किन कलर होता है, अपीयरेंस होता है, इसका मतलब सर कलर की बात कर रहा है, ये क्राइटेरिया तो होता है सर, ठीक है। आपको मैंने कहा रेस्पिरेटरी एफर्ट भी होता है, रेस्पिरेटरी रेट भी होता है सर, बी क्राइटेरिया बिल्कुल सही है सर, ये क्राइटेरिया भी होता है आपगार के अंदर सर, ठीक है। आपगार के अंदर तीसरा क्राइटेरिया आपको लिखा हुआ है यहां पर हार्ट रेट, बिल्कुल सर आपगार के अंदर क्राइटेरिया कौन सा भी होता है आपका, हार्ट रेट भी होता है सर, ठीक है। आपको 3 क्राइटेरिया वो मिले हैं जो होते हैं सर, और 1 क्राइटेरिया देखो लास्ट डी ऑप्शन क्या लिखा है, टेम्परेचर, ये नहीं होता है सर, और क्वेश्चन ने यही पूछा है कौन सा नहीं होता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन कौन सा नहीं है आपगार का, तो आपगार में क्या असेस नहीं करते अपन, टेम्परेचर असेस नहीं करते हैं सर। अपन बात कर रहे हैं कि सर 5 क्राइटेरिया होते हैं, और 5 क्राइटेरिया के अंदर 3 क्राइटेरिया तो मिल गए आपको कि स्किन कलर होता है आपका, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट होता है आपका, तो सर 2 क्राइटेरिया और कौन से बच गए, तो देखो 2 क्राइटेरिया के अंदर 1 क्राइटेरिया होता है आपका मसल टोन सर, मसल टोन, या इसी मसल टोन को कहते हैं अपन एक्टिविटी, एक्टिविटी सर, ठीक है। तो ये आपका आपगार जो आपगार का क्राइटेरिया है कि सर मसल टोन और एक्टिविटी होता है, देन इसके अलावा होता है आपका क्राइटेरिया ग्रेमिस, और इसी ग्रेमिस को कहते हैं अपन रिफ्लेक्स, क्या कहते हैं रिफ्लेक्स। ये 5 क्राइटेरिया आपगार के अंदर होते हैं, और इन 5 के अलावा कोई भी ऑप्शन के अंदर होगा वो आपगार का नहीं होगा। इस क्वेश्चन में नहीं करके पूछा है, आपका सही आंसर होगा कौन सा, डी सर, टेम्परेचर नहीं होता है सर, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा डिटेल पता होनी चाहिए उस क्वेश्चन की, हो सकता है एग्जामिनर अगली बार अपने को ये 2 यहाँ पर ना लिख के ये दोनों लिख दे, तो अपने को ये 5ों याद होने चाहिए सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्राइटेरिया बेस मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्राइटेरिया का क्वेश्चन दे दिया, और बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम एम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ए न्यू बोर्न रेस्पिरेटरी रेट
इज इरेगुलर। रेस्पिरेटरी रेट क्या है? इरेगुलर। और रेस्पिरेटरी रेट का इरेगुलर होना इसका मतलब कितना नंबर दोगे आप? एक नंबर दोगे सर। ठीक है, आ गया। हाइट रेट लेस देन 100, मैंने कहा 100 से ऊपर जाए तो दो नंबर और 100 से कम रहे तो कितना नंबर दोगे? एक नंबर। यहां पर लेस देन कम रह रहा है, इसका मतलब हाइट रेट को भी कितना नंबर दिया अपन ने? एक नंबर सर। ठीक है, आगे दिया अपन ने एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, इसका मतलब स्किन कलर है और स्किन कलर के अंदर एक्सट्रीमिटीज क्या है? ब्लू है। और एक्सट्रीमिटीज का ब्लू होना भी कितना नंबर? एक नंबर जो है वो एक नंबर आपको देना है सर। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है पूरा क्राइटेरिया, तो उसी के बेस के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला देखिए फ्लैसिड मसल सर। फ्लैसिड मसल का मतलब है बिल्कुल भी नहीं है मसल टोन, और बिल्कुल भी नहीं है तो मार्किंग करेंगे कितनी अपन? जीरो सर। ठीक है, और नेक्स्ट अपने को दिया फ्लैसिड मसल के बाद में रिफ्लेक्स आर एब्सेंट, बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं है। रिफ्लेक्स क्या है? एब्सेंट है। अब क्या पूछा है? हिज टोटल आपगार, इस बच्चे का टोटल आपगार स्कोरिंग बताओ। आपके सामने लिखा हुआ एक नंबर आपने रेस्पिरेटरी रेट को दे दिया, इरेगुलर है। हाइट रेट 100 से कम है, एक नंबर दे दिया आपने। एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू दिखाई दी, एक्रोसाइनोसिस दिखाई दिया, एक नंबर दे दिया। बाकी दोनों पैरामीटर आपके दो नंबर है, आपका स्कोरिंग जो है वो स्कोरिंग होगा कितना? तीन नंबर सर। ठीक है, तो ऐसी स्कोरिंग आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अब ऑप्शन देखिए, आपको तीन ऑप्शन क्लियर दिया हुआ है, कौन सा? बी सर। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। तीन नंबर कैसे सही हुआ वो अपन ने क्राइटेरिया, लेकिन ये क्राइटेरिया तब पहचान पाओगे जो अपन ने पहले पढ़ाया पूरा टेबल, वो टेबल आपको याद होना चाहिए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? देखिए क्वेश्चन आपको वही क्राइटेरिया बेस है, लेकिन और अच्छा क्वेश्चन बनाया यहां पर एग्जामिनर ने। ए न्यूबॉर्न ऑफ 1 मिनट आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है कि 1 मिनट वेजाइनल डिलीवरी पे 1 मिनट पे क्या किया जा रहा है? आपगार स्कोरिंग की जा रही है सर। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी केस है इसका मतलब। हिज पिंक विथ ब्लू हैंड एंड फिट्स, देखिए हैंड और फिट्स, हाथ और पांव नीले दिखाई दे रहे हैं सर। ठीक है, और बॉडी कैसी दिखाई दे रही है? पिंक दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक्रोसाइनोसिस है, एक नंबर दोगे सर। नेक्स्ट देखो, हैज लस्टी क्राई, मैंने आपको क्लियर लिखवाया जब लस्टी क्राई हो तो मार्किंग करोगे दो नंबर सर। कितने नंबर देने? दो नंबर सर। क्वेश्चन पढ़ो आगे, हैविंग हाइट रेट ऑफ 140, 140 हाइट रेट है, इसका मतलब 100 से ज्यादा है, और 100 से ज्यादा है तो कितना नंबर दोगे? दो नंबर आप दोगे सर। आगे देखो, प्रमोट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राइंग एंड मेंटेन मिनिमल फ्लक्शन विथ स्लेगिस मूवमेंट सर। ठीक है, प्रमोट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राइंग एंड मेंटेन मिनिमल फ्लक्शन विथ स्लेगिस मूवमेंट सर। ठीक है, मूवमेंट देखिए मिनिमल, मेंटेन मिनिमल फ्लक्शन विथ स्लेगिस मूवमेंट, इसका मतलब मूवमेंट कम है तो एक नंबर देंगे, लेकिन रेस्पॉन्स देखो प्रोमोट रेस्पॉन्स, जब अपन ने स्टिमुलाई दिया तो रेस्पॉन्स क्या है? क्राई रेस्पॉन्स है, इसका मतलब इफेक्टिव अपना रेस्पॉन्स है, और इफेक्टिव रेस्पॉन्स पे मार्किंग करेंगे कितने नंबर? दो नंबर। स्लेगिस मूवमेंट है तो यहां पर मार्किंग करेंगे कितना नंबर आपका? एक नंबर सर। ठीक है, कितना टोटल स्कोरिंग यहां पर होगा? देखिए न्यू बॉर्न आपगार स्कोरिंग यहां पर टोटल कितनी है, तो टोटल कर लेना है आपको 1 और 2 आपका 3, 3 to 5 और 5 to 7 और 1 8 सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कितना? 8 सर। ठीक है, आपगार स्कोरिंग क्राइटेरिया बेस क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? आपका सी ऑप्शन सर। ठीक है, 8 जो है वो 8 ऑप्शन आपका सही है सर। ठीक है, तो ऐसे आपगार स्कोरिंग के अंदर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो दे सकता है। मैंने आपको कहा कि देखिए जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट का है गुरु नर्सिंग के अंदर, उस सब्जेक्ट की आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ में उसके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आगे अपन देखेंगे डायग्राम के क्वेश्चन भी बनेंगे तो डायग्राम भी अपन देखेंगे, वीडियोज के क्वेश्चन होंगे तो वीडियोज भी अपन देखेंगे यहाँ पर। मतलब एक कंप्लीट कोर्स जो कि आपके नॉर्सेट एग्जाम कहूँ या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके ऊपर बेस होगा आपका कंप्लीट सिलेबस सर। ठीक है, और ये बात तो हमेशा रही है कि गुरु नर्सिंग है तो क्वालिटी जो है वो क्वालिटी हमेशा है वहां पर सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए नहीं, ओके, थैंक यू।